हमारा इच्छा है कि सारे 190 से जो जितने ज़्यादा देश हैं हर जगह हमारी कल्चरल सेंटर हो, वो तो लॉन्ग टर्म प्लान है। बट अभी हमारा है कि जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, स्पेशली G20 के कंट्रीज़ हैं, जो गिरमिटिया देश हैं, जो नेबरहुड के कंट्रीज़ हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, वहाँ पर हम कल्चरल सेंटर खोलें। सऊदी अरेबिया के बारे में हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, मगर अभी सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है रिक्वेस्ट कि जो अभी वहाँ पर खुलने लगा है सोसाइटी, थोड़ा बहुत ओपननेस आ रहा है, तो उसमें कि वो हमारा कल्चरल सेंटर खोलना चाहते हैं। वहाँ पे योगा बहुत पॉपुलर हो गया है, इनफैक्ट योगा इतना पॉपुलर हुआ था कि वहाँ पे एक जो लेडी है जो कि योगा सिखाती है वहाँ पे, हमने उसको पद्मश्री दिया हुआ है इंडिया की तरफ से। तो सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशनशिप है लास्ट 5-7 सालों में जब से ये गवर्नमेंट आई है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो गया है, और इसी के नाते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं कल्चर की माध्यम से, और कोई कल्चरल सेंटर खोलें यहाँ की कि इंडियन कल्चर दिखा सकते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक डिस्कशन हो, एंड जहाँ पे कि हमारे आर्ट, कल्चर, एग्जीबिशन, योगा, म्यूज़िक, हिंदी, संस्कृत, ये सब हम सिखा सकते हैं। तो इसी के मामले में हम लोग काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में अभी तो कल्चरल सेंटर है नहीं, तो ये पहली बार होगा कि हम खोलेंगे। अब कहाँ खोलेंगे वो जाके डिस्कस करना पड़ेगा।